भाई अक्टूबर आ चुका है और आप सभी को पता है कि नई नई जितनी भी गवर्नमेंट अपडेट्स आती हैं जॉब की, वो सब आपको अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आज आपके लिए टॉप 5 ऐसी गवर्नमेंट जॉब जो कि अक्टूबर में निकली हुई है, ये समझिए कि कुछ ओपनिंग हो चुकी है और कुछ की नेक्स्ट वीक होने वाली है। 5 ऐसी गवर्नमेंट जॉब जो ईजी हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है, जो कि मैं लास्ट ईयर की आपको कट ऑफ भी दिखाने वाला हूँ, सिलेबस बताने वाला हूँ, सैलरी बताने वाला हूँ, फीस बताने वाला हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जानने के लिए तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये जो 5 गवर्नमेंट जॉब्स हैं ना, ये बहुत समय से वेटेड थी और काफ़ी बड़े दर्जे की जॉब्स हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अभी सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। सभी जॉब्स के लिंक एज यूजुअल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो में आखिर तक बनी रहिए। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और एज ए करियर काउंसलर, एज ए टीचर, आई ऑलवेज गाइड यू द बेस्ट वे। जी हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो ये चैनल आपकी हेल्प कर सकता है आपको सही जॉब बताने में। मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी आती हैं, बट हमें एक को टारगेट बना के उसकी प्रिपरेशंस करनी है, तभी आपको जॉब मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज मत देखो, मल्टीपल जॉब्स में मत अप्लाई करो, एक वेब पे चलोगे तो जॉब मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं वीडियो को। नंबर 5 पर जो मैंने यहाँ पर जॉब ली है वो है SSC GD। SSC GD के बारे में आप सभी को पता होगा, भर भर के वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो भाई कोई भी 10th पास आउट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 10th पास आउट चाहिए इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। SSC GD का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। ये कांस्टेबल की वैकेंसी होती है जो हमारी सेना की अलग अलग विंग्स, जैसे कि आपका BSF हो गया, आसाम राइफल्स हो गया, CISF हो गया, CRPF हो गया, SSB हो गया, अलग अलग डिविजन्स में वैकेंसीज होती है। इसमें कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर इन्वाइटेड। फीस की अगर बात करें तो 10 पास आउट कोई भी अनरिजर्व OBC EWS 100 रुपये फीस आपको यहाँ पर देनी है। अगर आप SC ST या कोई फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से हो फीमेल, तो उनके लिए एग्जेम्प्ट है, फीमेल को कोई फीस नहीं देनी। बाकी मेल्स में जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। आगे चलेंगे, एज की बात कर लेते हैं। 18 से 23 साल यहाँ पर एज है, यानी कि 18 से 23 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सैलरी 18,000 से 69,100 रुपये यहाँ पर अप्रोक्सी सैलरी रहने वाली है। अब यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, इस वैकेंसीज़ की डेट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, डेट तो इसकी फ़िलहाल अलाउ हो चुकी है, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले इसकी कट ऑफ देखो, क्योंकि उससे पहले इसका सिलेबस देखो। अगर आप सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो इसके एग्ज़ाम्स होता है उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो आते हैं 20 क्वेश्चंस, GK के आते हैं 20 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश और हिंदी जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे उसके आपके 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 160, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो एक फ़िजिकल एलिजिबिलिटीज़ भी रहती है, उसके लिए बात कर लेते हैं। अगर आप बॉय हैं तो बॉय के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर और अगर आप चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए चेस्ट में, वो चेक करेंगे। और ST आते हैं तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी अगर फीमेल है तो उनकी भाई अगर हाइट की बात करें 157, ST की बात करें 150, ठीक है। ये एलिजिबिलिटीज़ रहेगी। बाकी यहाँ पर जो रिलैक्सेशंस है वो सब आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दी हैं। अगर मैं फर्दर सभी को समझाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा स्टैच हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। सो ये थी हमारी SSC GD। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये रिलेटेड वीडियोस के लिंक मैं आपको आई बटन पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये वीडियो खत्म होने पर वीडियो के एंड में भी आपको लिंक होम पेज पर दिख जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको SSC GD की कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक करिए, अनरिजर्व कोटे से 153 देख सकते हैं, 160 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 153 कट ऑफ यहाँ पर रही है, ठीक है। और SC के लिए 148, ST के लिए 143, ये कट ऑफ आपके सामने। इतना अच्छा प्रेजेंस आपको यहाँ पर करना है अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी जॉब लगे, ठीक है। अब ये फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए जनरल की कट ऑफ आती है 146, जो प्रीवियस ईयर की मैं बता रहा हूँ, ST के लिए 138 और ST के लिए 130, ये आप चेक कर लीजिए। ये थी SSC। अब चलते हैं 4th जॉब की तरफ पीछे से। ये वैकेंसीज आती है NTPC की, जिसके लिए आप सभी अवेटेड थे, बम्पर वैकेंसीज हैं नॉन टेक्निकल के लिए, 12th पास आउट के लिए भी और ग्रेजुएट के लिए भी। इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जो आपको वीडियो के एंड में आई बटन पे मिल जाएगी, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है,
बाकी अगर आप लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट SBJHubJobs पर भी जा सकते हैं। बात करें इस वैकेंसीज की तो 12 पास आउट और अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट सभी के लिए वैकेंसीज है। फीस की बात करें अनरिजर्व EWS के लिए 500 रुपीज़ है, SC ST फीमेल के लिए 250 रुपीज़ यहाँ पर रहने वाले हैं। और इसमें आपको पता भी होगा अटेंड करने पर रिफंडेबल होती है फीस, तो वो भी आपको देख लीजिए। एज की बात करें 18 से 36 साल तक एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। सैलरी की बात करें 19,000 से 35,400 सैलरी मैंने आपको अप्रैक्स बता दी है, क्योंकि 12 पास आउट के लिए अलग सैलरी है, ग्रेजुएट के लिए अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। इसी के साथ अगर इस वैकेंसीज में मैं आपको इनके कट ऑफ के बारे में बात करूँ, उससे पहले सिलेबस देख लो। कट ऑफ वगैरह तो आपको क्योंकि काफ़ी डिफरेंस हो गया तो अभी कंपेयर करना बेकार है, बट सिलेबस देखो। यहाँ पर आप चेक करो इनका पैटर्न, जो इसमें वैकेंसीज आएगी ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें वैकेंसीज हैं गुड ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, तो यहाँ पर अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कॉमन एग्ज़ाम तो होगा ही, टाइपिंग स्किल टेस्ट दो जनों का होगा। अगर आप टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा रिटर्न के साथ साथ, ठीक है। ये हो गए इनके एग्ज़ाम। अब आते हैं एग्ज़ाम पर। NTPC का जो पहला एग्ज़ाम है CBT 1, उसमें मैथ्स, रीजनिंग और GK, टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा। CBT 2 मैथ्स, रीजनिंग, GK, टोटल 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, 90 मिनट्स। दीज आर द 2 एग्ज़ाम्स जो आप कवर करोगे यहाँ पर NTPC में। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, रेलवे की जॉब चाहते हो, अच्छी सैलरी, अच्छे घूमना फिरना फ्री, साथ में आपको बोनस अच्छा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट। नाबार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप चेक करिए, नाबार्ड में 10 पास आउट के लिए पहली बार वैकेंसीज आई हैं बहुत टाइम के बाद। ऐसा तो नहीं पहली बार, बट बहुत टाइम के बाद। नाबार्ड एक बैंक है, जी हाँ, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये ग्रामीण और खेती के विकास के लिए बनाया गया बैंक है, सरकारी बैंक है जैसे और बैंक्स होते हैं। यहाँ पर आपको 10 पास आउट कोई भी अप्लाई कर सकता है। फीस की बात करें अनरिजर्व OBC EWS के लिए 500 रुपये फीस है, SC ST के लिए यहाँ पर 50 रुपये फीस रहने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एज की बात करें 18 से 30 साल एज रहेगी। सैलरी की बात करें 35,000 सैलरी रहेगी। इस पर मैंने डिटेल वीडियो अभी हाल ही में बनाई थी, आप जाकर उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी अगर बात करें नाबार्ड बैंक की, तो ये आप चेक करिए, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स, 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, 90 मिनट्स, सेम एज द NTPC। इसमें क्रैक करने के बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जॉब है, क्लर्क बेस्ड जॉब होती है, ग्रेड सी की जॉब है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर से अप्लाई करें। इसका कंप्लीट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। वीडियो को मैं इन ब्रीफ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने हर एक जॉब के बारे में डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिसमें सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। इसकी फ़ीस बता देता हूँ, 18 से 36 साल एज है इसकी, और फीस 500-250 रहने वाली है। 19,900 से 29,200 सैलरी रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ RRB टेक्निकल की थर्ड वैकेंसी। RRB टेक्निकल में अलग अलग है, जैसे कि 1092 पोस्ट है बैचुलर के लिए, जो ग्रेजुएट डिग्री ले रहे हुए हैं उनके पास। ये टेक्नीशियंस के लिए है, तो जो IT वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली, जैसे आपने BSc किया हो, कहाँ से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, IT से, BTech किया हुआ है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। बाकी 10 पास आउट प्लस ITI वालों के लिए भी अलग जॉब है, जिनमें ट्रेड मांगे गए हैं रिलेटेड, देख सकते हो आप NCVT से और SCVT से, जो भी जहाँ से भी आपने किया हुआ है। सो इस वैकेंसीज की दीज आर द डिटेल्स। फीस चेक करिए आप, सैलरी चेक करिए, बट ये उनके लिए है जो 10 प्लस ITI हैं, BSc हैं और कंप्यूटर साइंस से, IT से या BTech हैं, ठीक है, उनके लिए वैकेंसीज हैं। पहले इस वैकेंसीज पहले आ चुकी है, बट इसकी रीओपन हुई है, मतलब डेट बढ़ी है, फॉर्म रीओपन हुए हैं, तो जो छूट गए थे वो फॉर्म भर सकते हैं। द लास्ट वैकेंसी वी हैव अलाहाबाद हाई कोर्ट। अलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की वैकेंसीज है। इसमें उत्तर प्रदेश वालों को यहाँ पे मिलेगा, ऐसा नहीं बाहर वाली भी अप्लाई कर सकते हैं ना, कुछ परसेंट होता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो इसमें अप्लाई करें। चेक कर सकते हो, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर के लिए 950 फीस है, EWS के लिए 850, SC ST के लिए 750, जूनियर असिस्टेंट के लिए 850, 750, 650, ठीक है। ग्रुप डी की पोस्ट भी है जिसमें 800, 700, 600, ऐसे 3 वैकेंसी निकली हैं 12 पास आउट के लिए, ग्रेजुएट के लिए। 18 से 40 साल एज है, सैलरी है 20,200 रुपये,
और बात करें तो ये चेक करिए, स्टेनोग्राफर में ग्रेजुएशन मांगी है, 80 वर्ड्स पर मिनट मांगा है, 517 पोस्ट हैं। दूसरी वाली के लिए डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, यहाँ पे दोनों हिंदी इंग्लिश जो भी आपको टाइपिंग आती है दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th मांगी है और टाइपिंग मांगी है, टाइपिंग मैंडेटरी है, तो टाइपिंग सीखते हो अच्छी स्पीड है ये आपके लिए है। तीसरा मांगी है यहाँ पर ड्राइवर के लिए और अलग अलग जैसे कि प्रोसेस सर्वर के लिए, स्वीपर के लिए, तो इसमें 10th और 8th पास आउट मांगा है, बट इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस की नीड है, ठीक है। सो ये सभी वैकेंसीज़ की डिटेल मैंने आपको दे दी है। अलाहाबाद बैंक की अगर पैटर्न की बात करें, ये चेक करिए, हिंदी इंग्लिश जर्नल स्टडीज़ और मैथ 100 क्वेश्चन आएंगे। जर्नल स्टडीज़ में स्टेट का जीके भी आता है, उत्तर प्रदेश का। सैलरी अच्छी है यहाँ पर, 20,000 प्लस, 10 पास आउट, 12 पास आउट सभी के लिए वैकेंसीज हैं। सो ऑल डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको कौन सी जॉब अच्छी लगी और आप किस में अप्लाई करना चाहते हो, और अगर इनमें से कोई भी जॉब अच्छी नहीं लगी तो आप किस जॉब का इंतजार कर रहे हो, डू कमेंट नाउ।